अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, फटाफट मैं बढ़ती हूँ अपनी वीडियो की जानिब। मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड ऑन किया है क्रोम का, जिस पे मैं आपको शो करवाने लगी हूँ अपना जो न्यू यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, मेरे साथ जो अभी हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जिस पे मैंने ये अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका नाम है यूट्यूब जर्नी बाय हेना। एंड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ 61 सब्सक्राइबर्स हैं एंड देन इस पर अभी जो है वो लिटिल बिट टाइप ऑफ चल रहा है। अच्छा जी, यूट्यूब स्टूडियो टोटल चेंज हो चुका है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑन हुई है कॉपीराइट का, जो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा एक ऑप्शन दिया है कि अब आप कॉपीराइट का जो है वो अलग से चेक कर सकते हैं, वरना हमें पता ही नहीं चलता था कि किस चीज़ पर हमें कॉपीराइट क्लेम पड़ा। अच्छा जी, अब मैं इसके साथ आपको अपना पुराना चैनल जिस पर अभी मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ ये वाली, तो वो मैं आपको शो करवाती हूँ, क्योंकि इसका गूगल एडिसन जो है डिसेबल हो चुका था और बड़ी कोशिशों के बाद मैंने इसको शिफ्ट किया न्यू आईडी पे, न्यू उस पर आप सब्सक्राइबर पे देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो एनेबल का जो मेरे पास आता था ऑप्शन, वो एबल हो चुका है, यानी कि अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास वॉच टाइम तो पूरा था, लेकिन मुझसे जो बहुत बड़ी गलती हुई है ना, वो ये हुई है कि मैंने अपने पुराने चैनल से वीडियोस उठाकर अपने न्यू चैनल पे अपलोड कर दी, ये सोच के कि मेरा पुराना चैनल अब नहीं चलेगा। तो तकरीबन मैंने 55 वीडियोस जो मेरी यहाँ पे रैंक पे थी एंड वायरल थी और बहुत ज़बरदस्त उस पर व्यूज़ थे, वो मैंने उठाए इस पुराने चैनल के सारी की सारी वीडियोस, 55 वीडियोस उठा के मैंने जो है वो अपने न्यू चैनल पे अपलोड कर दिया, यहाँ से मैंने वो कर दी डिलीट। उस सूरत में मेरा उन्होंने जो वॉच टाइम जो मेरा पूरा हो चुका था, वो सारा का सारा उन्होंने कर दिया माइनस। एंड मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, आप एनालिटिक पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे इस तरह से शो होता है। ये मेरा पुराना चैनल है जिससे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस पर मेरा वॉच टाइम इस टाइम जो हाल का मेरा वॉच टाइम है आप चेक कर सकते हैं, 28 डेज़ का भी आपके सामने शो हो रहा होगा। एंड अब मैं आपको 365 डेज़ का भी आपको दिखा देती हूँ कि वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने 14 आर्स जो हैं 100 आर्स उन्होंने मुझे जो है मोनेटाइजेशन पे दिखाए हैं। ये देखिए, जबकि सब्सक्राइबर भी पूरे थे माशाल्लाह से, वॉच टाइम भी पूरा था, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा था आपको, और वो एरर मैंने फ़िक्स किया था, अपना चैनल शिफ्ट किया था न्यू चैनल पे, और गूगल एडिसन जो इसके साथ अटैच था वो मैंने कैंसिल किया। तो ये सारा प्रोसीजर होते होते मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, सब ने बोला कि जिस पे इनवॉलेट क्लिक आ जाता है वो अकाउंट दोबारा रिकवर नहीं होते। मैं करती रही करती एक महीने तक ये सारा इसके साथ चलता रहा, तो फिर मैंने फिर आखिरकार न्यू चैनल बनाया, और आज इत्तेफाक से जैसे ही मैंने अपना पुराना चैनल जस्ट फॉर एम ही मैंने ओपन करके देखा, और मैंने सोचा चलो यार मोनेटाइजेशन चेक करती हूँ, और कुछ न्यू बार्स आए, मुझे लगा कि शायद इस वाले स्टूडियो पे भी कुछ ना कुछ न्यू हो सकता है, नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब मैंने ये देखा, हाय अल्लाह, मैं देख के हैरान रह गई कि मेरे चैनल पे जो है वो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन उन्होंने ओपन कर दिया है, यानी कि गूगल जो मेरे एडिसन जो इसके साथ अटैच था जो डिसेबल हो चुका था वो डिलीट हो चुका है प्रॉपरली। अब मैं दोबारा से इस चैनल पे काम कर सकती हूँ नए चैनल पे अपने। तो मैंने सोचा ये थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, बट मैं डिसहार्ट तब भी बहुत ज़्यादा थी जब ये चैनल मुझे नहीं लगता था कि ये दोबारा जो है मैं इसको ग्रो अप कर सकूँगी, लेकिन अब दोबारा से मैं अपने नए चैनल पे भी काम करूँगी और अपने पुराने चैनल पे भी उसी तरीके से काम करूँगी, क्योंकि दोनों चैनल्स पे मैंने वीडियोस आधी आधी कर दी हैं, एंड जो मेरी पॉपुलर वीडियोस थी वो मैंने सारी न्यू चैनल पे शिफ्ट कर दी, इस डर से कि इतना ज़बरदस्त कंटेंट था और मैं उसे कहीं खो ना दूँ, तो उस खौफ से मैंने रिव्यू बाय हेना पे जो है अपने पुराना चैनल है ये मेरा जिस पर अभी वीडियो अपलोडेड है दोबारा बताती चली जा रही, और दुख हुआ अफसोस हुआ, लेकिन एक तजर्बा हो गया, एक ऐसा तजर्बा हो गया कि जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। ये देखिए, इस पर भी अभी भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जिन पे बहुत अच्छे व्यूज़ भी आए थे, ये तो कुछ भी नहीं है। आप सोचें, मैंने 55 वीडियोस जो वहाँ शिफ्ट किए उन पे जो व्यूज़ थे, जो बस अब मैं क्या कह सकती हूँ,
कहते ना कि कभी कभार इंसान परेशानी में, मुसीबत में कुछ ऐसे फैसले कर बैठता है जिसकी उसको इतनी नहीं पता होता। शायद इन गलतियों से ही हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स की जिसका बस जो बस चला, जिसने जो बताया, मैंने उन चीज़ों को, उन फार्मूलाज को अपने इन दोनों चैनल्स पे अप्लाई करती चली गई। एंड देन रिज़ल्ट ये आया कि मैं आज जब ये मैंने देखा लोगों में, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, मैंने कहा थैंक गॉड यार ये जो लोगो है ये मेरे पास वापस आ गया। एंड देन मैं अब दोबारा से अपने पुराने चैनल पे भी काम करूँगी, नए चैनल पे भी काम करूँगी। मैं इस वीडियो के एंड में यानी कि डिस्क्रिप्शन में अपना पुराने चैनल का भी लिंक, नए चैनल का लिंक भी आपको, आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि अगर आप विज़िट करना चाहें मेरा न्यू चैनल तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपको ये इन्फॉर्मेशन से हो सकता है कुछ फ़ायदा हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।